अगर आप भी मजबूत और टिकाऊ लॉन्ग लाइफ कनेक्टर लगाना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को देखकर सीख सकते हो। इस बोर्ड में कौन सा मॉडल का कनेक्टर लगेगा और कैसे लगेगा, इस वीडियो को फॉलो करके जरूर देखें। और SMD की मदद से इस बोर्ड में कनेक्टर लगाकर दिखाने वाला हूँ, लाइव प्रूफ। तो वीडियो को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी ले सकते हो, और जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आपको भी कर लेना होगा, और बहुत आसान तरीके में कनेक्टर लगाना सीख जाओगे। और SMD से कनेक्टर लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले SMD से उस जगह को हीट करना होगा जिस जगह पे कनेक्टर रहता है, उसी जगह पे कनेक्टर को बैठा देना होगा। और लगाने के बाद में पतले आयरन से प्रिंट को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना होगा, जिस प्रकार में हम क्लीन कर रहे हैं इसी प्रकार में आपको भी क्लीन कर लेना होगा। तो देखिए गाइस कितनी आसानी से कनेक्टर लग गया है, इसमें कोई झंझट कोई परेशानी नहीं हुई है। और उसके बाद में पेस्ट लगाकर अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना होगा, प्रिंट कनेक्टर को अच्छी तरीके से ब्रश से साफ कर लेना होगा। और उसके बाद में चेक करते हैं कनेक्टर लगाया था वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो देखिए गाइस कनेक्टर रिप्लेस करने में सक्सेसफुल हो चुका है। तो गाइस यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लें। इसी तरीके का टॉपिक वीडियो हमें डालता रहता हूं। और आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना होगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।